उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पॉलिटिक्स सफर 22 साल पहले शुरू हुआ। आपको बता दें कि साल 2000 में कन्नौज से लोकसभा सदस्य चुने गए। अखिलेश 38 साल के सबसे कम उम्र के यूपी के सीएम बने। वहीं सियासत के सभी समीकरणों को समझने वाले अखिलेश 2022 विधानसभा चुनाव के लिए छोटे छोटे दलों के साथ किए गठबंधन को बचा नहीं पा रहे। आपको बता दें कि 22 साल के पॉलिटिकल करियर में बीते 6 साल में उन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टी समेत 7 दलों से गठबंधन किया, जिसमें से 5 दल उनका साथ छोड़ चुके हैं, सिर्फ 2 दल ही साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश 2012 में यूपी के सीएम बने थे और 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने प्रचार प्रसार किया मगर हार मिली। इसके बाद अखिलेश का मुस्लिम वोटर कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया। चुनाव नतीजे आने के बाद गठबंधन भी टूट गया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा से गठबंधन किया मगर इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। गठबंधन भी चुनाव रिजल्ट आने तक ही चला। 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी और महान दल से गठबंधन किया। इस गठबंधन में सिर्फ 2 ही दल अखिलेश के साथ बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।